चलो सर, बिल नंबर 309। प्रश्न नंबर 13 हो रहा था। रिवाइज करने क्या कर रहे हैं? अभी 1 साल हुआ था, 1 साल रहता है, देखना क्या कर रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बाजार होगा, उसमें एक रिकंसिलेशन में एक मसला है, मैं कल डिस्कस करते हैं, जरा कल तक कर लीजिएगा, इसको टाइम होगा। कंफ्यूजन नहीं सर, कल डिस्कस करूंगा, जिन्होंने नहीं किया कंप्लीट कर लिया, उसमें एक रिकंसिलेशन में एक अमाउंट से रिकंसाइल नहीं हो रही, उसकी रीजन जरा इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करते हैं। जी सर, नेक्स्ट ईयर एंट्री सर, डेट्स बताएं। फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर, ये सारी डेट बताइए। 1 जनवरी 10 पे क्या होना है? शुरू हो जाए सर, शुरू हो जाए। दूसरा रेंटल एडवांस में मिलना, कैश डेबिट, अनअर्न रेंटल इनकम क्रेडिट। कितने से सर? बिकॉज कैलकुलेट हुई नहीं, वो फर्स्ट 95% 38 लाख बना। ठीक है, पैसे एडवांस में रिसीव हो रहे हैं और फिर एंड में इनकम बन रहा है। नेक्स्ट डेट सर लिखे, क्या एंट्री करेंगे सर? डेप्रिसिएशन चला, पहले डेप्रिसिएशन करें, लेसर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जाने दें यार। ऑपरेटिंग लीज है, लेसर ही की बुक्स में एसेट है, सेम रहेगी शर्मा। 2 मिलियन थे, 2.5 मिलियन। सेम डेट दोबारा लिख के एंट्री सुने जरा। इसका सर तरीका ये है, सबसे पहले आपने डिसाइड ही करना है कि इनकम कितनी बननी है, तो रेंट इनकम जब वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैलकुलेट होगी भी है, अगर अनइक्वल रेंटल्स हो तो फिगर बताए कितनी। 380333। देन जरा ढूंढे क्या कितना अनर्न है भी, पैसे कितने मिले हैं। हाँ जी, पहले पहले एक ओपनिंग बैलेंस भी है, तो उसको साथ रखना पड़ना, पिछले साल से शुरू करें। पहली इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे मिले थे, 4 मिलियन में से कितनी इनकम बनी थी, कैलकुलेट करें डिफरेंस।
ये क्लोजिंग अनअर्न होगा लास्ट ईयर के एंड पे, फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनेगा, 38 लाख फर्दर ऐड होगा। तो क्या पिप 803 के अगेंस्ट अनअर्न इनकम डेबिट हो सकती है? यस सर। और क्या अभी भी अनअर्न इनकम बनेगी बचेगी सर? यस सर। इसका करें जरा साथ में इसके इस एंट्री के साथ एक जरा अनअर्न इनकम का लेजर बनाए पिछले साल से करंट ईयर में लिखा है। अनअर्न रेंटल इनकम फर्स्ट से स्टार्ट कर लो, 1 जनवरी 9 कैश डेबिट अन एंड रेंटल इनकम क्रेडिट। अन एंड रेंटल इनकम डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट लाइबिलिटी अकाउंट है सर 3803333। लास्ट ईयर बैलेंस हुआ 196667। ये ओपनिंग बना यस सर। फर्दर कैश रिसीव हुआ, कैश डेबिट 38 लाख, अन रेंटल इनकम क्रेडिट। तो पैसे मिलने से एडवांस में लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है और इनकम अर्न होने से लाइबिलिटी कम होती जा रही है, तो फाइनली यहां तक सीडी बनेगा 193333। तो कैसे जा रहा मैच सर? ड्रॉ की तरफ जा रहा। फाइंड अप करें सर, क्लियर है सर? लास्ट ईयर भी कंप्लीट करना जरा एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि क्या ये डिफरेंस चलता ही रहेगा या इससे खत्म हो जाना। ये वैसे डिफरेंस आ क्यों रहा है किसके पास? हाँ जी, पैसे जो रिसीव हो रहे हैं उसको हम जरा स्ट्रेट लाइन बेसिस पर कन्वर्ट कर दिए, तो जैसे ये लीस्ट अमेंड होगी ये जीरो हो जाएगा। चेक करें सारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। 1 जनवरी 11 पे फर्दर पैसे मिलेंगे, कैश डेबिट अनअर्न इनकम क्रेडिट। रेंटल्स की जो अमाउंट है वो एग्रीमेंट के मुताबिक 95% कम होके 3610 हो गया। फाइंड आउट करना है, कोशिश करना है, ये तो खुद से लिखो। डेप्रिसिएशन शुड रिमेन सेम ऑन द बेस ऑफ यूजफुल लाइफ। सर लेजर भी कंप्लीट कर लीजिएगा लास्ट में। तो अगर ऑपरेटिंग लीज में अनइक्वल रेंटल्स है 11, तो आपने इनकम जो है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कन्वर्ट कर लेनी है। अन एंड रेंटल इनकम डेबिट एंड रेंट इनकम क्रेडिट 3803।
वो जरा पता कर लो आईडी वगैरह, या थोड़ी देर ट्रैक पता कर लो। ओके सर, लेजर फाइनल हो गया सर। यस सर, यस डिस्क्लोजर बनवाया सर, एक तो डिस्क्लोजर ऑफ ऑपरेटिंग लीज। यस इन द बुक्स ऑफ लेसर इस पर्सन के तरह इर्द गिर्द ढूंढना, तरह डिस्कवर बनना क्या क्या है। सर, फॉर द ईयर एंडेड, अब यहाँ रिक्वायर्ड सच नहीं है। थर्ड फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड है, थर्ड प्लस ईयर एंड का बनेगा 31 दिसंबर। नाइन नाइन के अंडर बनवाए हेडिंग लिखे डिस्क्लोजर ऑफ ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। ऑपरेटिंग लीज का वर्ड ही नहीं इस्तेमाल करना लेसिंग, उसके लिए बस वो दो लफ्ज है। इसका लेसी का पता ही नहीं इन लफ्जों का। लेसी सिर्फ ये देखेगा कि शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट लीज है, वरना वो हर लीज को राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लाइबिलिटी। ये टर्मिनोलॉजी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज किससे रेलिवेंट नहीं है, ये सिर्फ लेसर से रिलेटेड। उसने डिसीजन लेना है कि क्या शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट लीज तो नहीं है। इन दैट केस वो एक्सेप्शन अप्लाई कर सकता है, वरना उसने हर लीज को कैपिटलाइज करना। जी सर, जी क्या बनना है इसमें सर। स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बस हेडिंग लिखे आगे, तो नहीं आप खुद बनाइएगा, इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो। स्केड्यूल बनाना था, स्केड्यूल बनाना था सर, अगर नहीं आता इंशाल्लाह आ जाएगा। हेडिंग बोल देंगे दो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, उसके लिए थोड़ी स्पेस रखना है घर से की जगह। मैच्योरिटी एनालिसिस करवा दो, मैच्योरिटी एनालिसिस की हेडिंग है, वर्ड में पूरा करवा दो क्या होता है। हाँ जी, मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। ये हेडिंग लिख के जरा कैंडी को, जो डिसीजन हुआ था कि ये ऑपरेटिंग लीज, उस डिस्कशन में चला जाए जरा। यहाँ डिसाइड हुआ था कि ये लीज ऑपरेटिंग है, अपने 5 पॉइंट्स लिख के नो किया था, उसमें जरा फोर्थ पॉइंट पे आ जाए। वर्किंग हुई भी असल में इसलिए कह रहा हूँ। रेंटल्स का ब्रेकअप बना हुआ सर, अब ये रेंटल्स का ब्रेकअप बनाना है, किस डेट पे खड़े हैं आप। ऑनवर्ड चलना है सर, लेस देन 1 ईयर में कौन से वाले साल का रेंटल आ जाएगा। 2010 वाला कितना रेंटल आ जाएगा, 3.8 मिलियन। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, 1 to 2 ईयर्स में कौन से वाला साल आएगा। ऑनवर्ड चलना है, 9 से आगे 10 और 11 है, और सिंपली रेंटल से करना है। 1 to 2 ईयर्स में 3.61 आ जाना, और इसका सम करना ऑन टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट। ₹7.41 मिलियन समझ आ गई प्लीज। कहां से ऑनवर्ड से बस चलना है, जिस डेट पे खड़े वहां से आगे सोचना। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, बाकी सारी वर्डिंग हुई है।
क्या था मुझे देना नहीं, चले एक नजर पड़ा दूसरा वो भी जरा क्रेडिट कार्ड वाला भी हो गया था टेस्ट में योगेश सर। अगर यही डिस्क 31st नंबर 10 पे इस सेटिंग में आ जाएगी सर फिगर लेस देन 1 ईयर में कौन सी अमाउंट आएगी? ठीक है सर, नैरेटिव पैराग्राफ भी खुद लिख लो। Entity has entered into an operating lease agreement, lease term, ठीक है? ये खुद से लिखेगा हम next question का ना, question number 14, इतना तो मेरे को लिखना चाहिए। हमेशा लिख लेते हैं यार घर के लिए, क्या हो? Question कौन सा है? 14 देखेगा। आज थोड़ी सी इसकी वर्किंग ग्रोथ है। अब ये जो installments हैं, annual की ब्रेक, quarterly, semi-annually, मंथली सब कुछ हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट 40 मिलियन पेज नंबर बता दो। ये 310 कॉस्ट ऑफ एसेट इज 40 मिलियन ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज, यूजफुल लाइफ, लीज टर्म 10 इयर्स, 3 इयर्स, सेमी एनुअल रेंटल्स इन एडवांस 5 मिलियन ब्रैकेट तो बी इंक्रीज्ड बाय 5% एनुअली, 5% एनुअली सेमी एनुअल रेंटल है लेकिन इंक्रीज होने 5% एनुअली। रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज भी हैं और डिस्क्लोजर भी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लेसर। आ जाए वर्किंग शुरू करें। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर। नाइन कॉन्सेप्ट सारा वही है कंडी जो पिछले क्वेश्चन में था तो करवाएं जरा कंडी। सबसे पहले क्या करें? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ये डिसीजन लें कि फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज है। फर्स्ट डेट है 1st जनवरी, जुलाई 1st जुलाई सर। अरे एग्रीमेंट मिडिल ऑफ द ईयर है। जी बोलना शुरू करें। 5 कंडीशंस देन मिलाएं। एनी इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एनी परचेज ऑप्शन? उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट लीज टर्म कवर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ढूंढ रहा। लीज टर्म अब नो नो की बजाय थोड़ा सेंटेंस बना रहा। लीज टर्म डज नॉट कवर लीज टर्म डज नॉट कवर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। हाँ जी इसकी वर्किंग करते हैं। 10/3 या 3/3? दिस टर्म कवर्स मेजर पार्ट, डजंट कवर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। 30% कवर हो रहा है। एटलीस्ट कितने परसेंट होना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। नहीं ये बड़ा वर्किंग करनी चाहिए जरा। इसमें आप रिवाइज भी कर लीजिएगा सही है। इसके रेंटल्स इकट्ठे करवाएं इस डेटा में। डेट वाइज जरा रेंटल्स इकट्ठे करें। कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ें। रेंटल्स कितने बनेंगे? रेंटल्स 6 हो जाएंगे। सेमी एनुअल है, 3 साल लीज टर्म है और इंक्रीज भी आना है। फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। 1st जुलाई 9
क्या रेंटल होगा? 5 मिलियन। नेक्स्ट डेट बोला, 1 जनवरी। अब 1 जुलाई, 1 जनवरी एडवांस में, 1 जनवरी 10, 5% इंक्रीज आएगा सर। वो एनुअल आना है, एनुअल आना है। अभी ये सेकंड सेमी एनुअल का रेंटल एडवांस है, मतलब एक साल कब खत्म होगा? 30th जून 10 को, तो एनुअली इंक्रीज आना। नेक्स्ट रेंटल की डेट होगी 1 जुलाई 10, इसमें आएगा इंक्रीज। हाँ जी, अभी 5 मिलियन, अब इंटू 5% करके प्लस भी कर सकते हैं, इंटू 1 पॉइंट, लेकिन 0.5 कर सकते हैं, 5 नहीं, 50% नहीं, 5%। तो देखने के जैसे करना, ये समझ आ गया प्लीज, एनुअल इंक्रीज है। बाकी बनाया तेरा प्लीज, बैत को तंग नहीं करें, बैत डिस्कस पढ़ने के मोड में है, तो पढ़ाई के दौरान डिस्टर्बेंस सपोर्ट नहीं कर सकता। सबसे तो बुरी आवाज लग रही हो मेरी, तंग कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। समोशी में पढ़ने का इतना दिया मिस्टर बैत, जी 5 to 5 0, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो इंक्रीज बड़ा जो है ना, एनुअल बताइए, एनुअल है और इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल। तो 1 जुलाई 11 पे जो फाइनली नेक्स्ट रेंटल होगा, इनटू 1.05, डबल फाइव जी मिस्टर भाई, क्या हमारे 5512500। कहाँ रुक जाएंगे? कौन सी डेट? 1 जनवरी 12 पे क्यों रुक रहे हैं? अभी तो 2.5 साल हुए हैं, अभी 2 years 2.5 years हुआ है, देखने गिनने गिन के देखने चाहे। ये जो लास्ट रेंटल है किस डेट तक का रेंटल है, कहां से कहां तक का है? ये 1 जनवरी 12 को पे होगा, 30th जून 12 तक का है। तो सर मैं एडवांस में रेंटल तो सही है जी, रेंटल्स टोटल करें इसका 3152500। अब जरा जो पिछला क्वेश्चन किया था वो उसका डाटा निकालें और जरा खुद से कंक्लूड कर लें, जरा वहां क्या बहस हुई थी। यकीन है अभी ये लीज रेंटल्स हैं, हाँ जी, उस उधर उधर से भी कंपेयर करके जरा फाइनल कर लें, क्या हमें किसी रेट के ढूंढने की जरूरत है? वजह फाइनल करें, लिख के जरा, लिख के जरा फाइनल करें। इन रेंटल्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फेयर वैल्यू ऑलरेडी कितने परसेंट है, और प्रेजेंट वैल्यू अगर लेंगे तो उसमें कम ही होना है। एज द रेंटल्स आर, दीज रेंटल्स आर ऑलरेडी ये ऑलरेडी कितने, वर्किंग कैसे करूं सर? डिवाइडेड बाय 40 मिलियन। ऑलरेडी जो है 79 समथिंग परसेंट बनते हैं, 79 यानी 78.81%। तो कम से कम ये कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए और मोर। Therefore, no need of any present value.
ये नोटेड है सर, लास्ट वन, दो इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एसेट। कंक्लूड प्लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज। ये डिसीजन ऑफ फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज लेसी का नहीं है, सिर्फ लेसर की स्टोरी। चले सर एंट्री शुरू करें। फर्स्ट जुलाई 9 पे रुकने की वजह फर्स्ट जुलाई 9 एसेट नहीं खरीदना यार, वो ठीक है ना खरीदे, लेकिन ध्यान में रखें एसेट है उसकी बुक्स में और उसी की बुक्स में रहना है। डेप्रिसिएशन के एंगल से जरूर ध्यान में रखें। ये रेंटल से शुरू करें। फर्स्ट जुलाई 9 पैसे कितने आ रहे हैं, रेंटल साथ साथ रेंट में रखने, डबल एंट्री पूरी हो जाएगी। अनअर्नड अनअर्नड रेंटल इनकम क्रेडिट बाय रुपीज 5 मिलियन। लाना प्लीज। अब सोचते रहे करवाते रहे। 31st December 2009 पर रुकने की वजह ये रहने भी बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेना पहले। अब इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है मेरा ख्याल है, हमें बताएं फिर क्या करना चाहिए। नहीं अब हमें नहीं पता एसेट कब है, तो लीज टर्म से शुरू करें। बाकी डेफिनेटली बेस क्या बननी है पढ़ें जरा। डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब कितने मंथ्स की चार्ज करें, यकीनन इंफॉर्मेशन हो तो लेसर के पास एसेट पुराना भी हो सकता है। नहीं मतलब कर लेते हैं वो, तो अगर नहीं हुई तो कर लेते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरा ख्याल है कि हमें पूरे साल की शायद चार्ज नहीं करनी चाहिए। अब हो अगर पता चल जाए एसेट पहले से पड़ा फिर ठीक है, वरना बेस्ड ऑन एक सेकेंड शायद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिगर बताइए एसेट है कितना। 40 मिलियन डिवाइड बाय पहले फाइनल करना, बाकी बहस और कोई मसला नहीं। अब डिवाइड बाय यहाँ यूजफुल लाइफ है, यहाँ कोई शॉर्ट टर्म लॉन्गर नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म लॉन्गर कुछ नहीं है, यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना। बाकी अब इनटू 6/12 अगर मैं कर रहा हूँ तो उसकी सोल रीजन शायद ये है कि हमें डेट ऑफ परचेज का पता नहीं, तो वी आर अज्यूमिंग कि शायद जब एसेट लिया, अनलेस हमें पता चल जाए कि एसेट पहले से उसके पास है। ठीक है 2 मिलियन। Assuming, लिख लेते हैं एसेट परचेज ऑन, एसेट परचेज डेट है क्या, एसेट परचेज ऑन डेट ऑफ लीज। सेम रेट कैंडी दोबारा लिखते हैं, टेबल वगैरह नहीं बनना यार। प्रिंसिपल इंटरेस्ट की सेग्रीगेशन वो कहाँ होनी है अगर फाइनेंस लीज हो। जी सर अब इस डेट पे एंट्री सुने पहले, बल्कि ये पता है इस दिन होना क्या, आयन एंड इनकम बनना है और वो कैसे बनना है, पिछली वर्किंग में चले जाए, पिछली वर्किंग में चले जाए, इसका तरीका फाइनल करना जरा यार। रेंटल्स ने 3, 1, 5 to 5 और सही डिवाइडेड बाय बोल दे कौन सा 6, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स लीज टर्म। अब लीज टर्म सेमी एनुअल है, 3 साल है लेकिन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या 6 का समझ आ रहेगा, 3 साल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट्स आपकी जो इनकम बनेगी सेमी एनुअल इनकम दैट इज 5 to 5, 4, 1, 6, 7 का। नहीं एक मिनट जरा, एक मिनट, इसके जरा एंट्री का तरीका मैं जरा फाइनल कर लूं, मतलब अगर आप किस तरतीब से चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। सबसे पहला
डिसीजन ये लें कि क्या इस अमाउंट से इनकम बननी है, तो इनकम होगी क्रेडिट 5254167। अब ऊपर जाए जरा, जहाँ ये अनअर्न इनकम अमाउंट आई थी, अब वो कम अमाउंट थी। सबसे पहले तो डेफिनेटली लायबिलिटी कन्वर्ट हुई इनकम में, लेकिन अप टू द व्हाट एक्सटेंड लायबिलिटी खत्म हुई? 5 मिलियन ही एडवांस में था, वो तो इनकम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या इनकम इज मोर देन द अमाउंट रिसीव? तो बैलेंसिंग फिर रिसीवेबल हो रहा है। इसका जरा सीक्वेंस इस तरह से रख लें कि पहले इनकम का डिसीजन ले लें, इनकम लिख लें, उसके बाद मेरे फिगर समझ आ जाएंगे। तब ये 254167 क्या बन जाएगा? रेंट रिसीवेबल। पिछले क्वेश्चन में तो ये इशू नहीं आया, ये एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री? कौन सा साल एंड हो गया सर? नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा साथ मिलेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब काइंडली सोचते रहे, करते रहे प्लीज। बल्कि एक मेरे ख्याल एंट्री मुझे और करवा दो, उसके बाद फिर आप मेरे ख्याल यूज हो जाएंगे। फर्स्ट जनवरी 10 वाले रेंटल की जरा एंट्री करवा दो। हाँ जी, कैश कितना डेबिट? 5 मिलियन। रेंटल की अमाउंट सेकंड भी 5 मिलियन है। अब ये सारा अनर्नड नहीं है, हमारा भी कुछ पिछला रिसीवेबल था, तो सबसे पहले रेंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय 254167 और बैलेंसिंग फिगर अभी भी 4745833। ये प्लीज समझ आई बात? इसके साथ क्या करूं, इनकम लिख दो? इसके साथ इनकम लिखो या अनअर्न लिखो? मिली एडवांस में अमाउंट है, लेकिन कुछ पिछला भी रिसीवेबल था हमारा। अनअर्न रेंटल इनकम, रेंट इनकम। चलिए 31 दिसंबर 10 तक गए, सोचते सोचते वहां पहुंच गए। डेप्रिसिएशन तो मेरे ख्याल अभी एंड पे चार्ज करेंगे। अगर मंथली रेंटल्स हो जाए या क्वार्टरली हो जाए, तो डेप्रिसिएशन शायद पूरे साल के एंड पे। पिछले साल में 6 महीने बाद क्यों रुक गए? वो ये रेंट आ गया, लेकिन यहाँ 30 जून 10 पे आपको क्यों रुकना? जो रिसीव हुआ है वो फिर अर्न हो जाना है। अगर ये मंथली होता फिर आपको मंथली रुकना पड़ना था, एनुअल होता तो एनुअली। अब 6-6 महीने बाद इनकम में कन्वर्ट होते जाना, इसमें होते जाना सर। तो रेंट इनकम क्रेडिट on straight line basis 5254167, unearned rental income debit, four seven four five eight double three। ये ठीक है प्लीज? ये डेट मेरी समझ आती है, मैं इस डेट पे क्यों रुक गया? 30 जून पे क्यों रुक गया सर? ये रेंट आ गया, ये रेंट आ गया, क्या हुआ? लीज का पीरियड खत्म हो गया ना, सेमी एनुअल पीरियड कंप्लीट हो गया। करवाएंगे बैलेंस 508334, क्या बनेगा रेंट रिसीव?
अब कैश भी बदल देना 1 जुलाई पे अपन से वेट करेंगे। कैश डेबिट 5250, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट साथ साथ हिसाब कर रखना 508334। बनता कुछ है ना? रेंटल इनकम क्रेडिट 474 1666। नहीं कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, प्लीज क्या हो रहा है? Yes, अगर इनकम ज्यादा है रिसीवेबल हो जाएगा, इनकम कम है तो अनर्न हो जाएगा। ठीक yes, पैसे नहीं मिले तो रिसीवेबल है, पैसे मिल गए हैं तो कमाई नहीं है तो अनर्न। फाइनल करवा दें सर 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कैसे नहीं 4 मिलियन हो गया। 40 मिलियन डिवाइड बाय 10 4 मिलियन। इनकम बनानी फाइनली, रेंट इनकम क्रेडिट 5254 1667 एंड रेंट डेबिट 4741667। बैलेंसिंग रिसीवेबल इज 512501। ठीक है सर, चलो मेरे ख्याल काफी अब आइडिया हो गया ना, प्लीज आगे क्या होगा डिस्क्लोज बनवाए। जी सर स्केड्यूल वगैरह तो इंशाल्लाह बना लेंगे, मुझे मेजोरिटी एनालिसिस बनवा दें फॉर द ईयर एंडेड लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 9 बनवा दें, फिर 10 बनाइएगा। ये जरा कंडी वापस चले दें वही जहां पे अपने रेंटर्स की कैलकुलेशन की हुई, थोड़ा सीरियस लीजिएगा थोड़ा, मेरा ख्याल काम जरा इतना सिंपल भी नहीं चल। मेच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रेक्चुअल एंड डिस्काउंटेड लीज पर जी सर लेस देन 1 ईयर लिखने से पहले ये सोचना हम किस डेट पे खड़े हैं। 31 दिसंबर 9 तो 31 दिसंबर 10 में जो रेंटल है वो लेस देन 1 ईयर होंगे, अगला रेंटल नहीं अगले साल में। तो 10 में कौन कौन सा रेंटल है? एक 5 मिलियन है 1 जनवरी पे और 1 जुलाई वाला रेंटल पे चेंज हो गया,
तो 2010 वाले दो रेंटल इकट्ठे हो गए 10.25 मिलियन। आगे चलो, 1 to 2 years में कौन से रेंटल, कौन से साल वाले, 11 वाले दो 5.25 मिलियन एंड 5.5 5.5 5.5125 10 प्लस कर रहा हूँ 10 11। अभी एक और भी है शायद 2 to 3 years में ट्वेल्व का स्टार्ट जो है 10 11 12। अब इसमें एक ही है शायद 55 1 to 5 00। तो जिस डेट पे आप खड़े हैं उससे ऑनवर्ड्स जाना है, लेकिन ऑनवर्ड्स मींस नेक्स्ट वन ईयर, फिर आफ्टर वन ईयर एंड सो ऑन। यस सर। ओके जी प्लीज। 26.5 to 5 हो जाएगा। आप लोग 11 का बनाएगा, सॉरी 10 का, एक जरा रिवाइज डिस्कवर बनाएगा। 2010 के एंड पे खड़े हो तो बना ले, नहीं लास्ट टू नहीं है, बना ले 31st नंबर 10। थोड़ी देर इसी For the year ended 31st December 10. इलेवन वाले जो दो रेंटल है वो आएंगे लेस देन वन ईयर में, तो वही फिर टोटल शायद वही 1 to 1 0 7 6 2 वाला, और 1 to 2 years में, और जो 12 वाला रेंटल है डबल 5 1 2 5 00 16.275। एक नरेटिव लाइन दिखा दो, लगा ले एक मिनट। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट अब यहाँ रेट तो कोई नहीं होगा, रेंटल्स आर रिसीवेबल इन एडवांस सेमी एनुअल अमाउंटिंग टू रुपीज 5 मिलियन विद एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 5%। Lease term is 3 years.
कटेल प्लीज पेज 310 पे आ जाओ, पेज बल्कि इसी पे आओ। ये सर नेक्स्ट हेडिंग आ गई है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। नोट कर लीजिए, यहां तक अभी हमने लीज में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने, अगर वहां से शुरू करें जहां से शुरू किया था, सबसे पहले हमने लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लीज पढ़ा। लेसी ने हर लीज को राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट करके रिकॉर्ड करना है, अनलेस शॉर्ट टर्म लीज हो जाए या लो वैल्यू एसेट लीज हो जाए। इन दैट केस लेसी अगर चाहे तो रेंटल्स को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एक्सपेंस बना सकते, लेकिन वो भी चॉइस है। फिर हम आगे के लेसर की काउंटिंग अगर होनी है तो लीजेस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में फिर हमने ये पढ़ा था कि उसमें भी लेसर के दो टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन सी? सिंपल लेसर जो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम कमाता है, और डीलर मैन्युफैक्चर लेसर अगर है तो नॉर्मल प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है। फिर उसके बाद फाइनली आ गए थे हम ऑपरेटिंग लीज पर। अब जरा यही बहस रहा एक और तरफ थोड़ी सी ले जाए। हेडिंग आ गई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। पढ़ें जी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, पेन रखने आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल करो। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मींस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल मींस अवॉइडेबल मींस एडिशनल। एक ऐसी कॉस्ट जो लीज एग्रीमेंट की वजह से इंकर हुई है, और अगर लीज एग्रीमेंट ना होता तो इसने इंकर नहीं होना था। इंक्रीमेंटल इजाफी एडिशनल कॉस्ट। जी सर, सॉरी नहीं, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो है जो इंक्रीमेंटल है, यानी कि इसने ये वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है लीज से रिलेटेड जो इसलिए हुई है क्योंकि लीज एग्रीमेंट हुआ है। और इन अदर वर्ड्स, अगर लीज एग्रीमेंट ना होता तो इस खर्चे ने बच जाना था। ठीक है, मतलब लेकिन इंक्रीमेंटल मीन्स बता रहा हूँ तो है किस चीज की कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज दैट वुड नॉट हैव बीन इंकर्ड इफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट इज, इन अदर वर्ड दैट हैज बीन इंकर्ड बिकॉज ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो नहीं इंकर होनी थी अगर लीज ना होती, या जो इंकर इसलिए हुई है क्योंकि लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो एक बार आप बोलने रखे यार डेफिनेशन। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज, अब फॉर एग्जाम्पल इसमें अब थोड़ा सा ब्रॉडर विजन रखते, कंपनीज को जहन में रखे, एक आम सिंपल लेसी नहीं, कंपनीज अगर अग्रीमेंट करेंगी तो डेफिनेटली एनालिसिस किया जाएगा कि हमें लीज सूट करती है या लोन सूट करता है, ये सारी वर्किंग्स होंगी। फिर अपने अगर रेगुलरली एसेट्स लीज करवाने हैं तो उसी तरह जिस तरह सेल परचेज में कोई कमीशन एजेंट्स हो सकता है, तो यहाँ भी अब दर्पण इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। कमीशन, किसने किसको कमीशन दिया? लेसी ने लेसर को? नो सर, इस तरह की बात नहीं होगी, इस तरह की बात नहीं। जरा अलग अलग रखना, जरा एक लेसी भी है एक लेसर भी है। हो सकता है लेसी की अपनी कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्टिंग कर हुई हो और लेसर की कोई अपनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्टिंग कर हुई हो। ये कोई आपस में नहीं देनी, आपस में तो रेंटल देने, डाउन पेमेंट्स करनी है। तो लेसी ने फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लीज करवाई है तो उसे किसी ने कहा है कि मैं हेल्प कर देता हूँ आपका बैंक से एग्रीमेंट करवाने के लिए, लेकिन मैं कमीशन लूंगा। और इसी तरह जो लेसर है उसने कहा मैं बंदा ढूंढ देता हूँ, मेरे नॉलेज में है एक लेसी है मैं जानता हूँ, तो लेकिन मैं उसको आप तक लाने के अपने पैसे लूंगा। तो ये किस किस का भी हो, किस किस का भी हो, किसका भी हो सकता है और किसका भी हो सकता है। इसी तरह कोई लीगल फीस है, ये फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे स्टाम्प पेपर्स होते हैं, उनके खर्चे भी होंगे। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ नेगोशिएशन लीज टर्म, कोई लीगल एडवाइजर रखा जा सकता है, आपको नहीं पता टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फिर लॉयर हायर कर लेंगे आप कि हमारा जो बैंक के साथ एग्रीमेंट है उसमें जरा देख लें कि टर्म्स एंड कंडीशंस कोई ऐसी तो नहीं जो बाद में हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। एंड सिमिलरली लेसर भी रख सकता है, सही तरह जरा निगोशिएशन हो जाए। तो अगर लेसर या लेसी ने कोई लीगल एडवाइजर रखा तो उसकी फीस भी शायद इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द लीज कॉन्ट्रैक्ट होगी। फिर कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलैटरल, कोलैटरल किसे कहते हैं? सिक्योरिटी नहीं, इकट्ठा नहीं है, कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए वर्ड है। नॉर्मल तो सिचुएशन यही है कि लीज एसेट जो होता है, कोई मशीनरी है, कोई व्हीकल है, कोई भी लीज एसेट है, वो किसके नाम होता है? लीज टर्म में किसके नाम होता है?
लेसर ही के नाम होता है, तो वो ही इट सेल्फ सिक्योरिटी होता है। लेकिन समटाइम्स लेसर ये भी डिमांड कर सकता है कि मुझे कोई एक्स्ट्रा एसेट भी सिक्योरिटी के तौर पर दे, तो वो कलेक्टर उसे बोलता है। तो फिर आप वो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखवाना पड़ता है कि ये जो एसेट है हमने बैंक के पास एज सिक्योरिटी रखा हुआ, तो वो भी एक लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो गवर्नमेंट फिर उसके भी चार्जेस ले सकती है। तो उसे क्या लिखा हुआ, कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलेटरल मीन सिक्योरिटी। नॉर्मल सिचुएशन बहरहाल क्या है कि लीज्ड एसेट इटसेल्फ सिक्योरिटी होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इटसेल्फ सिक्योरिटी होता है, होता ही बैंक के नाम है, होता ही बैंक के नाम है। लेकिन बैंक अगर ज्यादा अपने आप को सिक्योर करना चाहता है तो समटाइम्स आपसे ये भी कह सकता है कि अपना को ओन्ड एसेट भी मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पर रखवाए। अब इट डजंट रियली मींस कि वो एसेट लेसर के पास चला जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कम अज कम लिखा होगा कि ये सिक्योरिटी पे है, और देयरफॉर अगर लेसी ने कभी डिफॉल्ट किया तो फिर बैंक इसे बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है। तो ये भी अब फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अटेस्टेशन वगैरह भी करवानी पड़ती है, तो उसकी को कॉस्ट लिखी हुई है। ठीक है, समझ आ रही? Yes, इसे लिखा पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट टू ऑब्टेन द लीज। Yes, अब ये भी शायद आपने कभी इस तरह की चीज सुनी हो टैक्स yes, वगैरह में। समटाइम्स yes, क्या हो सकता है, कोई एग्जिस्टिंग टेनेंट है, वो कोई बिल्डिंग यूज कर रहा है, आपका भी इरादा बन गया कि उस बिल्डिंग को आप इस्तेमाल करें, तो एग्जिस्टिंग टेनेंट ने आपसे फॉर एग्जाम्पल को पैसे डिमांड किए हैं कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ लेकिन मुझे इतनी पेमेंट करें। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपने पेमेंट की है, आपको वो जगह बड़ी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है इस जगह पे अगर बिजनेस होगा तो फ्लरिश कर जाएगा, तेजी से फैल जाएगा, तो एग्जिस्टिंग टेनेंट को अगर आपने पैसे दिए हैं तो वेकेट द प्रॉपर्टी, ऐसे लिखा हुआ। तो ये भी इनिशियल डेट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिखे हुए, कमीशन, लीगल फीस, कॉस्ट ऑफ नेगोशिएटिंग लीज टर्म्स, अरेंजिंग कलेक्ट्रल, पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स, ये सारे इनिशियल डेट कॉस्ट हो सकती हैं अगर ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द लीज हो। अब हमने करना क्या, पहले तो ये क्लियर करना क्या ये एक्सपेंस ऑफ इनिशियल डेट कॉस्ट लेसी का भी हो सकता है और लेसर का भी हो सकता है। तो लेसी का अगर हुआ तो वो अपना ट्रीटमेंट करेगा, लेसर का अगर इनिशियल डेट कॉस्ट का खर्चा हुआ तो अलग ट्रीटमेंट करेगा, तो इनको अलग अलग जरा ध्यान में रखना। तो अब हमने यही डिस्कस करना कि इनिशियल डेट कॉस्ट की अकाउंटिंग लेसी कैसे करेगा और लेसर कैसे करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल डेट कॉस्ट। और अब हम जो डिस्कशन करेंगे इसमें एक बड़ी अच्छी सी रिवीजन भी सॉर्ट ऑफ हो जाएगी, ये जो सब कुछ हम पढ़ते रहे उसी में डिफरेंट सिनेरियोज में लेसी लेसर ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो आए फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, सबसे पहले हम किसकी तरफ चलेगा, लेसी की। कोई इनिशियल डबल एंट्री पता आपको, इसमें सर ये कैपिटलाइजेशन की स्टोरी है, एक इसमें कैपिटलाइजेशन होनी है अगर एसेट हो तो। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मींस इनिशियली प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन केस ऑफ लेसी, इसे क्या करेंगे पढ़ेंगे, आईडीसी इज एडेड टू द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। आपने एक डबल एंट्री की होगी, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री किस अमाउंट से होती है, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट। और अगर फॉर एग्जांपल को आईडीसी का खर्चा हुआ है तो वो भी राइट ऑफ यूज एसेट में डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। ये पैसे अगर पेबल होंगे भी तो लेसर को नहीं देने आपको, ये किसको देने, कोई कमीशन एजेंट होगा, कोई लीगल एडवाइजर होगा, कोई वो टेनेंट होगा जो पहले प्रॉपर्टी वेकेट नहीं कर रहा था उसको पैसे आपने दिए। ये एंट्री लिखने दो। तो क्या ये खर्चा एक्सपेंस आउट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इनिशियली कैपिटलाइज हो गया, हाँ जी, ओवर द लीज टर्म हो रहा है, मतलब इसे राइट ऑफ यूज एसेट में प्लस कर दिया। बाकी अब जब राइट ऑफ यूज एसेट डेप्रिशिएट आप करेंगे तो अकॉर्डिंगली फिर ये अमाउंट भी इसमें शामिल होगी और अकॉर्डिंगली एक्सपेंस आउट होगी, रादर देन रिकॉग्नाइजिंग इट एज एन एक्सपेंस इन द ईयर इन व्हिच इट इज इनकर्ड, इनिशियली इट इज कैपिटलाइज्ड बट देन जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो, अगर एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो तो यूजफुल लाइफ का बेस बनाएंगे, और अगर नहीं होनी तो सर शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म यूजफुल लाइफ। प्लीज क्या होगी, जब भी कभी बाय डिफॉल्ट वर्ड आएगा ना लेसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो यही जहन में आना चाहिए, क्या लेसी शॉर्ट टर्म लीज और लोअर एसेट लीज भी बना सकता है, तो वो आते हैं उसमें। बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ द लीज ऑफ लेसी, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, आते हैं उसमें। ऐसा आता हूं, एक इलस्ट्रेशन देखें छोटी सी।
एक असल में ऊपर डेफिनेशन में इंक्रीमेंटल वर्ड आया था, उसको भी जरा एग्जांपल में देखा था। एबीसी लिमिटेड पेड 30,000 टू अ लीगल एडवाइजर टू रिव्यू एंड एडवाइज ऑन द लीज अरेंज एग्रीमेंट ऑफ अ प्लांट लीज्ड बाय एसआरटी लिमिटेड। किसने पे किया सर? एबीसी ने पे किया। 30,000 किसको दिए? किस लिए दिया है? Is it an initial debt cost? Procurement manager of ABC Limited. कौन होता है procurement manager? ये purchase manager, procurement purchase की बात है। अगर कुछ चीज आप खरीदते हैं उसे procurement भी बोलते हैं। Purchase manager remained involved in for a month for negotiating the lease whose monthly salary is 1,50,000। ये सब लोगों ने या कॉस्ट पढ़ी होगी या पढ़ रहे होंगे। इंक्रीमेंटल वर्ड आ गया सामने, तो बताएं कि 30,000 इंक्रीमेंटल है, 150 भी इंक्रीमेंटल है। सर पूरा महीना इन्वॉल्व रहा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ही बता दें, वैसे तो नहीं, यहाँ तो मसला बन गया। नहीं क्या ये खर्चा नहीं है? अगर वो निगोशिएशन ना करता मंथली सैलरी दे, it would have been incurred whether or not lease agreement will be finalized and negotiated or not. तो इसके साथ लिखना है incremental नहीं है। तो ये salary कहाँ जाएगी? Not incremental. तो नीचे जरा देखें entry कितने से हुई और क्या हुई है? कितने से? सिर्फ incremental से। बाकी एवरी अदर थिंग रिमेन सेम, व्हाट इज द न्यू थिंग? अगर फॉर एग्जांपल कोई इनिशियल डेट कॉस्ट भी आ जाए तो व्हाट विल बी द डबल एंट्री? और बस ये एसेट में प्लस हो जाएगी, डेप्रिसिएशन चार्ज करते बस इसका अपने डिसीजन है। अगर ये कैश पेबल भी अभी हो 30,000, तो इट हैज नथिंग टू डू विद एनी टेबल, वो लीज लायबिलिटी से शुरू होगा। इसलिए मैंने हमेशा आपसे कहा लीज लायबिलिटी और लीज रिसीवेबल, तब ये इकट्ठे होकर सवाल आने लगे। पहले ये छोटी सी बात और बीच में फाइनल कर लें। देन आगे हूं मैं, अब ये मिक्स सॉर्ट ऑफ है। अब इस वक्त मैं आ गया लेसर पे। किस चीज का ट्रीटमेंट डिस्कस हो रहा है? आईडीसी का। आईडीसी में कहां आ गया हूं? अगर लेसर ने कोई आईडीसी पे की हो और लेसर ने ऑपरेटिंग लीज बन गई, लेसर की ऑपरेटिंग लीज अगर बन गई, बन सकती है, तो पहले उसका ट्रीटमेंट। आगे पढ़ने से पहले बताएं, लेसर की बुक्स में अगर ऑपरेटिंग लीज है, एसेट आ रहा होगा, तो शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, वंस अगेन कैपिटलाइज हो जाएगी। Shall be added to the amount of asset and then recognize as an expense over the lease term. अब लेकिन ये बढ़ जरा lease term है, क्या ये हो सकता है lease term और useful life different हो? Yes sir. Lesser depreciate करेगा asset को useful life पे, ऐसे ही? Yes sir. अभी किया हमने operating lease में, लेकिन ये amount जो add हो जाएगी, ये capitalize हो रही है, लेकिन इसे आपने लीज टर्म पे एक्सपेंस आउट करना। कैसे करना? एग्जांपल देखें। द कंपनी एट विच यू आर एम्प्लॉयड एज अ फाइनेंस मैनेजर एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट एज अ लेसर टू लीज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कमेंसमेंट डेट, कॉस्ट ऑफ मशीन, यूजफुल लाइफ, एसेट परचेज्ड ऑन, लीज इंस्टॉलमेंट्स इन एरियर्स। अभी दो क्वेश्चन हो गए थे, पहले एडवांस के एरियर्स में भी देखिएगा और सर। 31st December, 6, 7, 8 an equal rentals sir? Yes, sir. Initial debt cost of lesser 3,000 paid in cash. Requirement A पहले कर लें, फिर B की entries करते हैं। Calculate the rental income for each year. वो तो given है। अब definitely ये यकीनन हमें अगर question कर रहे होते हैं कोई operating lease का decision लेना है, लेकिन यहाँ पे उसने बता दिया कि falling operating lease। वैसे अगर जल्दी से वैसे ही सोच लें, एनी इंफॉर्मेशन ऑफ परचेज ट्रांसफर ओनरशिप, परचेज ऑप्शन, लीज टर्म का मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, व्हाट इज द लीज टर्म, यूजफुल लाइफ 10 इयर्स, 30% बनता है, प्रेजेंट वैल्यू की स्टोरी फाइनल करें, कैलकुलेटर पकड़ें।
रेंटल्स प्लस करें वन फाइव वन वन सेवन जीरो डिस्काउंट रेट होना है जरूरत ही नहीं है वन फाइव वन कितना आंसर है वन सेवन जीरो ऑलरेडी 15% है तो देर इज नो नीड ऑफ एनी फर्दर वर्किंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज नॉट सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू एंड देर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एसेट ये रेंटर्स का सम कर लो नहीं कर लिख ले आप मतलब सम करके लिखो सॉरी सम किया हुआ आपने लिख लें 151170 रेंटल्स का सम लिख लें अब रिक्वायरमेंट ए का मीनिंग बताएं क्या करें 151170 डिवाइड बाय 3 इंस्टॉलमेंट 50390 इज द अमाउंट ऑफ इनकम पर ईयर रेंटल इनकम फॉर ईच ईयर जनरल एंट्रीज करवाएं पहले साल 31st December 6 लिख के लिख के शुरू करें आप एसेट की परचेज की इंफॉर्मेशन भी है जी एसेट का नाम है मशीन हाँ जी मशीन कॉस्ट ऑफ मशीन मशीन डेबिट ठीक है कैश पेबल करें कितने से पहले इधर इधर रखना इकट्ठा नहीं करना 1 million इज इट ऑपरेटिंग लीज यस सर एनी आईडीसी इन्वॉल्व यस सर अभी आईडीसी का खर्चा शुरू में हो रहा होगा एंड में शुरू में तो शुरू में जेन में लाना ऊपर लिखना जरा एक डेट के साथ पूरा ऑपरेटिंग लीज है ऑपरेटिंग लीज लेसर है Therefore, IDC is capitalized. Double entry. Machine debit. Cash payable. हाँ जी pay हो गया. ठीक है. अब ये बिल्कुल उस तरह से हो जाएगा थोड़ा सा बचपन से मिलाया फिर वन. अगर एक asset के एक से ज्यादा significant parts हैं. और उनकी लाइफ डिफरेंट है तो फिर उनकी डेप्रिसिएशन आप अलहदा अलहदा चार्ज करते हैं अब यकीनन कैपिटलाइज हमने कर लिया है याद आ रही है वो प्लांट एयरक्राफ्ट था शायद एयरक्राफ्ट होता था इंजन है फिटिंग्स है वगैरह वगैरह है एक शिप भी थी बड़ी बड़ी सी मैं तो भी याद आ गया ठीक है मतलब सीधी सी बात तो जब ये 1 million मशीन है ये तो यूजर लाइफ पे डेप्रिशिएट होनी है लेकिन जो 3000 जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन बस इनको अलग करेंगे लेकिन आप बीच में रेंटल्स इन्वॉल्व करें डेट नेक्स्ट पे डेट बता नहीं एडवांस में नहीं अभी ईयर एंड पे अगर रेंटल है रिसीव भी एंड पे हो रहा तो फिर आप अनअर्न तो ना हो जी ठीक है जी स्पुटनिक माशाल्लाह याद आ गया 31st December 6 रेंटल अब एरियर्स में रिसीव हो रहा है सुने इधर एक मिनट एंट्री कैश और बैंक डेबिट बाय अमाउंट बताएंगे छोड़ दे लिखना पैसे मिलेंगे 54270 अर्न कितने होंगे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेंटल इनकम है 50390 क्या ज्यादा मिल गए हैं तो बाकी एडवांस है फिर रिसीव ज्यादा हो गया अनअर्न लेकिन साल के शुरू में नहीं मिला ये
तो अगर एंड पे ही मिला है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये कम मिला होता तो रिसीवेबल और एडवांस से गेम चलती रहनी, ठीक है। तो अन एंड कितना बनेगा, 3W लिखे। जी सर, 31st नंबर 6 डेप्रिसिएशन की स्टोरी सुने। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए 1 मिलियन डिवाइड बाय 10 अलहदा करेंगे, प्लस 3000 डिवाइड बाय 3 अलहदा करेंगे, तो लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। दोबारा पढ़ने जरा सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस 310 पेज पे। इनिशियल कॉस्ट शुड बी एडेड टू द अमाउंट ऑफ एसेट एंड रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस ओवर द लीज टर्म। अमाउंट इकट्ठी आ रही, सिर्फ बेस डिफरेंट है। डेप्रिसिएशन डेबिट 101,000 डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नहीं मेरे ख्याल ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? वैसे कैश वाली एंट्री, चले वैसे ही बोल लेते हैं। कैश डेबिट कितना होगा? 6,720 रेंटल इनकम, ये फिर अनंत बन जाएगा, ये अनंत फर्दर बढ़ जाएगा, और एक ही दफा मेरे ख्याल खत्म होगा 8 में जाकर। 8 में फिर कैश कम है और इनकम 50,000 है, तो डिफरेंस मेरे ख्याल बन जाएगा, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन बारो? आगे आ जाए सर, पेज नंबर 311 कैंड पे। आप हम आते ही थक गए हैं सर, अब तो बस करें सर। देन सर, इसके फौरन बाद जहां एंट्रीज लिखी हुई है पेज के एंड पे, 311 के एंड पे, एक हेडिंग से ऊपर एक एरो पड़ा लेसी का है, नहीं इसके ऊपर एक लेसी है, ये थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करना, कौन कौन सा ट्रीटमेंट हो गया। एक लेसी का नॉर्मल लीज में, लेसर का ऑपरेटिंग लीज में, लेसी अगर है और शॉर्ट टर्म लीज है, येलो वाली एसेट लीज है, तो फिर एसेट रिकॉर्ड होगा, तो फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। एसेट भी नहीं होगा, राइट ऑफ यूज एसेट होगा, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, सिर्फ रेंटर्स ने एक्सपेंस बनना, तो फिर IDC भी एक्सपेंस आउट ही हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां तक लेसी फाइनल हो गया शायद, और लेसर का क्या डिसाइड हो गया? अगर ऑपरेटिंग लीज है, तो फाइनली हमारी बहस रह गई अगर लेसर है और फाइनेंस लीज है, लेकिन पहले सिंपल लेसर, फिर आगे मैन्युफैक्चर डीलर लेसर। अब ये जो बेटा यहाँ लिखा हुआ है, जो इसके बाद एक इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा हुआ, इस पैराग्राफ को एज इट इज अगर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, तो फिर तो हम तकरीबन कुछ नामुमकिन सिचुएशन में चले जाएंगे। आए पहले थोड़ी सी एक वर्किंग कर लें पेज नंबर 312 पर, फिर आते हैं ये वापस कि ये इंग्लिश में आखिर क्या लिख दिया। हम इस वक्त पढ़ने लगे हैं ट्रीटमेंट ऑफ ITC इन द बुक्स ऑफ लेसर इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। लेसी नहीं लेसर, ऑपरेटिंग नहीं फाइनेंस लीज, और लेसर भी कौन सा वाला? इसी डिस्कशन में पेज नंबर 312 के स्टार्ट से थोड़ा सा नीचे एक हेडिंग ढूंढने तरह, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। एक वर्ड आता था इम्प्लिसिट, आता जा रहा था, उसके बारे में मैं शायद कहता जा रहा था कि आ रहा है। तो इस डिस्कशन में जो मैं करूंगा आपके सामने, दो चीजें इकट्ठी आ रही हैं, एक इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट की भी स्टोरी, और नंबर टू ये जो IDC है इसका ट्रीटमेंट भी फाइनेंस लीज में आ रहा है।
तो ये कैसे सब कुछ होगा? आप लोग इस तरह करें, आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज वाली हेडिंग में आप लोग कट्ठे हैं, और एक सेकंड के लिए कैंडी आईडीसी ध्यान से निकालो। सबसे पहले नीचे एक सेंटेंस पढ़ेंगे, एज पर आईएफआरएस 16 द स्टैंडर्ड ऑफ लीज कैलकुलेशन ऑफ द रेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेसर। ये जो लीज का रेट है ये कैलकुलेट करना जिम्मेदारी किसकी लगाई हुई है, फिर लेसी ने क्या करना है वो इंशाल्लाह मेरे पे छोड़े, वो बाद में बात करो। इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेसर की। अब इसी हेडिंग में वापस जाए, एक वर्ड लिखा इम्प्लिसिट, ये क्या होता है? एक होता है एक्सप्लिसिट अपेरेंट, इम्प्लिसिट होता है जो छुपी हुई चीज है। तभी आप जरा आगे देखिएगा, रेट अभी छुपा होगा और इंशाल्लाह बाहर निकला है। नहीं, जीरो मार्कअप नहीं, इम्प्लिसिट है लेकिन अपेरेंट नहीं है, नजर नहीं आ रहा एक्सप्लिसिट। नहीं नहीं, पतली लाइन वो नहीं, ये होती नहीं है, ये वो भी, ये उस लाइन से पहले लेसर कैसे कैसे पता चलता, वो तो एंड मिल गया ना, स्टार सा बना होता, स्टार में असल चीज स्टार में लिखी होती है, ये जो है इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करना, ऊपर लिखा 10% आगे शायद लिखा होता छोटा सा मल्टीप्लाई बाय 3, वो तो पहले तो इशू है, लेकिन वो नहीं, वो तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये है कि लेसर को भी पहले नजर नहीं आ रहा होता, फिर अचानक उसके सामने आता, अचानक तो नहीं है कैलकुलेशन के सामने आता है, जिसमें आपके सामने भी कैलकुलेटर पे आ जाए, तो ये फिगर्स के अंदर होता है और फिर हम फिगर से बाहर उसे निकाल लेंगे। एक्सप्लिसिट होता है अपेरेंट, जिस टाइम चले शायद हेल्पफुल हो जाए, टाइम डैडी अपने गुस्से का इजहार एक्सप्लिसिटली कर देते हैं, आवाजें आती हैं, लेकिन कभी कभी उनका देखना ही शायद बता रहा होता है कि गेम ऑन है, गुस्से से वो यूं ही देखते हैं, तो उसका मतलब होता है इम्प्लिसिटली वो बता रहे होते हैं कि वो बैच सही जा रहा है। नहीं मतलब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हाठा क्या चीज है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएफआरएस 16 कैलकुलेशन ऑफ रेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेसर। अब लेसर ये रेट फिर निकालता कैसे? रेट इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या लिखी हुई इक्वेशन? फेयर वैल्यू बोलना सर प्लस आईडीसी ऑफ लेसर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यू आर। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गए। आप इस रजिस्टर खोलें जरा, यहां से ऑनवर्ड जो कुछ बहस है जरा लिख के करें, एक फॉर्मूला जरा देख के लिखें। तो खास मुश्किल चीज नहीं है, नहीं है इसलिए जरा थोड़ा सा शायद कॉन्शियसली मैं चल रहा हूँ। एफ वी स्टैंड फॉर क्या? आई डी सी मैंने क्या लिख दिया है ऑफ लेसर, डेफिनेटली लेसर की वर्किंग कर रहे हैं तो लेसर की अगर कोई आई डी सी है वो प्लस हो जाएगी और इज इक्वल टू एक इक्वेशन सॉल्व करेगा, सॉर्ट ऑफ लेसर एक इक्वेशन सॉल्व करेगा रेंटल सॉरी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए। लेसर एक इक्वेशन सॉल्व करेगा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट इज दैट इक्वेशन? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरबी। अब इट इज रिक्वायर्ड कि जहां कुछ बातें होंगी आपका पिछला नॉलेज सही रिवाइज हो, क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरबी से कुछ और सहन में आता है? ये नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला शायद। अब नीचे जो डाटा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का, उसको जरा बेस बना लेते हैं। इस इक्वेशन में वो डाटा प्लेस करेंगे, व्हाट इज फेयर वैल्यू? 50,000। नोने कोई आईडीसी ऑफ लेसर ऊपर नीचे आगे 2000 तो यूजीआरबी लिखा हुआ है, अनग्रांटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखी हुई है, लीज टर्म लिखी हुई है, इनिशियल डेट कॉस्ट ऑफ लेसर 3000 बताई हुई है, ठीक है। अब इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स का डाटा ढूंढना जरा। हाँ जी प्रेजेंट वैल्यू तो बाद में बहस करेंगे, पहले डाउन पेमेंट होती है 10,000। क्या 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू भी वही होगी? प्लस 15,000 के कितने रेंटल होंगे? एरियर्स में है सर, न्यूटी का फॉर्मूला लगेगा, ये सब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। वन माइनस इंटरेस्ट रेट होना है, वही नहीं है,
वही जिसे हम यूज टू है वो नहीं है, माइनस थ्री पता है, डिवाइड बाय आई है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरवी में आ रहे है कोई यूआरवी? यूआरवी नहीं है, अगर होती तो लीज पेमेंट्स के अंदर होती, यहाँ तो प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स कंप्लीट है, और फाइनली 2000 इनटू 1 प्लस आई मिसिंग है, माइनस 3 है, लीज टर्म पेड बना ली क्वेश्चन। जी ठीक है, अब यहाँ मेरा ख्याल है कि सबको कुछ क्लेम याद आ गया होगा, क्या मिसिंग है? आई मिसिंग है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा इक्वेशन को अगर सॉल्व करके, बल्कि इसको सॉल्व करने से एक मिनट पहले ना ये थोड़ा सा लॉजिकली क्लियर करना जरा बात, फिर एक सेकंड लिखनी फिगर्स लिखनी है सर, इक्वेशन लिखनी है, बस रुक जाए एक सेकंड, जरा बात ही हो रहा है, पहले जरा इम्प्लिसिट वर्ड जरा फाइनल कर लें यार, इम्प्लिसिट अब यही है इस वक्त इस इक्वेशन के अंदर है, बस उसे इम्प्लिसिट रेट को आपने एक्सप्लिसिट बनाना, तो मतलब इम्प्लिसिट नथिंग, बस छुपा होता है ये फिर अपेरेंट हो जाता है, ठीक है, जो आप करने लगे उसे निकालने लगे छुपे हुए रेट को, इसलिए उसका नाम इम्प्लिसिट पड़ गया, तो उसको तो फर्दर आप कंफ्यूज नहीं करेगा। एक चीज और सुन लें बिफोर यू कैलकुलेट, लॉजिकली जरा एक सेकंड क्लियर करना है इससे पहले कि आप रेट की तरफ चले जाए, एक इक्वेशन बनी हुई है 50,000 क्या है सोच के जरा बताइए, ये लेसर है, सिंपल लेसर है, सिंपल लेसर के केस में जरा एक दो पेजेस पीछे जाएं, जरा फेयर वैल्यू कॉस्ट को कहते हैं, कॉस्ट को फेयर वैल्यू कहते हैं या सेल प्राइस को, ढूंढ लें जरा कहाँ लिखा हुआ, कहीं नंबर बता दूंगा, हाँ जी वो लिखा नहीं समरी में भी और नीचे भी कहीं एक एंड में नोट लिखा हुआ था, तीन पॉइंट इकट्ठे बने हुए थे, फेयर वैल्यू इज कॉस्ट इन केस ऑफ सिंपल लेसर एंड फेयर वैल्यू सेल प्राइस इन केस ऑफ डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर, तभी हम सिर्फ सिंपल लेसर पढ़ना है, तो वापस आ रहे हैं, क्या लेसर ने 50,000 का एसेट खरीदा होगा? सर जी खरीदा होगा सर, और क्या 3,000 उसका और भी खर्चा हो गया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है लेसर की 53,000, तो अब लेसर एक सेकेंड बने जरा, कम से कम 53,000 तो आपने आज लेना ही है, टोटल खर्चा आपका 53,000 हुआ, तो इतना तो कम से कम आप एज अ लेसर लेंगे, लेकिन अगर पैसे टाइम बेसिस पे लेंगे, टाइम या इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, तो क्या फिर उसमें इंटरेस्ट भी होगा? कैलकुलेटर उठाएं जरा, लीज पेमेंट्स बताएं स्टोरी में, बल्कि सॉरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इस स्टोरी की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? लीज पेमेंट्स प्लस यूआरवी, लीज पेमेंट प्लस यूआरवी 10,000 जमा 15,000 इंटू 3 जमा 2,000 ये कितना बनता है? इक्वेशन के राइट साइड पे 57,000 बनता है और लेफ्ट साइड पे 53 बनता है, तो 4,000 इंटरेस्ट है, लेकिन आप जरा दोबारा देखें इक्वेशन की राइट साइड, इक्वेशन की राइट साइड पे आप 57,000 नहीं लिख रहे, उस 57,000 की प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, तो वो रेट जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर देगा, वो रेट जो राइट साइड पे इस्तेमाल होकर राइट है लगता राइट है आपका, वो रेट जो राइट साइड पे इक्वेशन को 53,000 की इक्वल कर देगा, वो रेट इम्प्लिसिट रेट कहलाता है, तो ठीक है आप लोग वर्किंग करें, जरा एक सेंटेंस पहले लिखा था, इम्प्लिसिट रेट विल बी दैट रेट, हाँ जी IRR से बोलते हैं IRR, बल्कि IFRS 9 अगर जहन में ला सके, वहां भी एक इफेक्टिव रेट कैलकुलेट होता था, कूपन रेट इफेक्टिव रेट, तो वो डेफिनेटली उसकी कैलकुलेशन मैंने उस वक्त नहीं करवाई थी, वहां वो कैलकुलेट हो सकती है इसी तरह, लेकिन वो उस तरह से बुक में अवेलेबल नहीं है, तो लीज में इम्प्लिसिट रेट अगर निकालना हो तो एक सेंटेंस जरा लिखें इसके नीचे इक्वेशन का, इम्प्लिसिट रेट विल बी दैट रेट
implicit rate will be that rate. इधर एक सेकंड तैयार पद रख देखना है. Implicit rate will be that rate which will equate this equation. ये सही है मेरा लफ्ज़ से? ऐसे ही बोलेंगे? दोनों साइड्स को इक्वल कर दो, इक्वेट ही कहेंगे? बराबर कर दो, which will equate this equation. मीन्स उसे राइट साइड पे एक ऐसा रेट लगाने से जिससे आंसर 53,000 आ जाए. किस साइड पे? राइट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो वो रेट क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट रेट. इम्प्लिसिट रेट विल बी दैट रेट विच विल इक्वेट दिस इक्वेशन. उस हजम ने वर्ड से अब इसका डेफिनेट एक कैलकुलेटर के अलावा भी तरीका है, लेकिन अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा सबका तो मेरे ख्याल पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. तब जरा सॉल्व करने क्या आंसर आ रहा है इनका? 4.48 आ रहा है. एक सेकंड जरा ये आई की जगह 4.48 प्लेस करके देखें, आंसर आता है 53,000. अब कितने साहिबान ऐसे हैं जिनका 4.48 नहीं आ रहा, यानी मीन उनसे सॉल्व नहीं हो रहा? ये जरा साथ वाले से पूछ लें. एक मिनट. अच्छा कैलकुलेटर का मसला, तो कैलकुलेटर किसी के साथ जरा रीशफल करके जरा. नहीं मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर वो एक दूसरा वे भी है, लेकिन अगर तो कैलकुलेटर का इशू हुआ तो फिर रिजॉल्व किया जा सकता है. प्लीज साथ वाले से कहीं कैलकुलेटर ही अपना निकाल ले या क्लास ही खत्म होगी. कैलकुलेटर याद आ गया. अच्छा ठीक. जी ऑनलाइन सर्च करने बता दें, सबको पता है ये 4.48 कैसे आ रहा है? जी आज इंशाल्लाह आप कहेंगे अप्रोक्सीमेटली आ गया है, असल में 4.48 नहीं है, ये गेम ऑन हुई भी थी. ये 4.48 रेट तो नहीं है, ये 4.4 आप पूरा लिखें या अप्रोक्सीमेटली कह दें. अब आपको ये भी यहाँ से पता चल जाएगा कि अक्सर हमारी वर्किंग्स में एक दो रुपए का फर्क क्यों आ जाता था, एक दो तीन चार रुपए का. उसकी वजह क्या है कि जो रेट है ये पूरा राउंड नहीं कर सकते हम, या पूरा अगर कैलकुलेटर पे आ रहा है तो हम उसमें से मैक्सिमम कोई दो डिजिट्स या तीन डिजिट्स पे जाके उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं. समझ आ रहा है प्लीज? लेकिन मुझे सबसे पहले ये बता दें ये 4.48 वाला आंसर आ गया या नहीं. जिन लोगों का नहीं आ रहा तो बता दो मुझे. टाइम तो लग ही जाएगा यार. ये ऑनलाइन स्टूडेंट खासतौर पूछ रहा हूँ यार, ये जो कैलकुलेटर पे रेट आई नहीं, कैलकुलेटर पे आता है ये जरा वो तरीका जरा इनके साथ शेयर कर दें जरा उसको. हाँ आई जरा ग्रुप में शेयर कर दें. नहीं मतलब मैं सीरियस हूँ यार, ये ना हो कि मैं यहाँ कर नहीं रहे वहां रहने देंगे. खासतौर पर जो हजरात बहुत अरसे बाद मुझे देख रहे हैं और मैं भी उन्हें बहुत ही अरसे बाद बहुत सारा वक्त गुजर गया. नहीं मतलब क्लियर है प्लीज? आंसर बताइए. I is 4.48. बस 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 बस. What is this 4.48? Implicit rate है story में. यही internal rate भी है, यही effective rate भी कह सकते हैं आप. तो approximately लिखा. नहीं सर ऐसे नहीं है ना, आपने रेंटल्स डिसाइड कर लिए तो आप अपनी मर्जी का रेट यही लेना चाहते हो. क्या रेंटल्स में इंटरेस्ट होता है सर? तो आप रेंटल्स बढ़ा लें. अगर आप रेंटल बढ़ा लेंगे तो अकॉर्डिंगली आंसर डिफरेंट नहीं आ जाएगा. तो आप जो भी लेना चाह रहे होंगे वो रेट ये है. रेंटल्स के अंदर इंटरेस्ट है, आपने रेंटल्स डिसाइड किए होंगे, रेंटल्स में इंटरेस्ट है. आप रेंटल्स में कितने परसेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिया. तो आप अगर रेंटल डिफरेंट लगेंगे तो डिफरेंट वर्किंग कर लेंगे. अच्छा इसमें इस वक्त आई मिसिंग था तो आई कैलकुलेट हो गया. क्या कोई भी फिगर अगर एक मिसिंग हो? तो बहरहाल मेरी बात असल में पिछले पेज पर है, पेज नंबर 311 पे. असल में हमने बहस शुरू करनी थी IDC फाइनेंस लीज की, लेकिन उसी की वर्किंग में हमें जरा जरूरत थी कि हमारे इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन भी समझ आता, तो मेरी भी वो बात खत्म नहीं हो सकी. तो इंशाल्लाह ये बहस कल वहीं से शुरू करेंगे. अब आप लोगों के लिए तीन टेस्ट तैयार हुए हमें, कंसोलिडेशन, IAS 38
IFRS 9 लेकिन अब टाइम निकालना पड़ना है, कम से कम दो जरूर दें इस हफ्ते, दो दो का एक 38 मेरा ख्याल है 38 था IFRS 9 का, नहीं आपकी चॉइस है, आप अपने दो दो तीन दिन का गैप रख लें, दो इस वीक में दे दें, अगले वीक में दे दें, लेकिन साथ साथ लीज चलानी है बस, साथ साथ लीज को देना टाइम, लेकिन आज आप बिल्कुल फ्री हैं FA2 के हवाले से, तो आज जरा कैंडी आप दो क्वेश्चन लीज के, नहीं नहीं दो दो हो, दो दो है कंसोलिडेशन के, तो घंटा दो दो घंटे निकालने हैं, ठीक है, तो साथ आइए 38 है मेरा ख्याल, आज या कल मैक्सिमम टाइम निकालें, कल नहीं बाइंड अप हो जाएगा, कल देते हैं, दूसरा रखते हैं थर्सडे को, एक फिर अगले वीक में रखते हैं, अल्लाह हाफिज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से अभी शेयर कर दो, एक कर दो शेयर, नहीं आज कर दो शेयर, आज शेयर कर दें, जो लोग देना चाहें आज दे दें, सर नहीं आज जो आज देना चाह रहा है दे दें, तो अगर देना चाह रहा हो ऑनलाइन स्टूडेंट से रेडी है सारे, चेक भी करने थे, बाद आ रहे थे। हाँ ठीक है फिर कल, हाँ कंसोलिडेशन साथ जरूर होगी, बाकी छोटे छोटे स्टैंडर्ड भी साथ है, अल्लाह हाफिज़।